हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बालूशाही की रेसिपी। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल हलवाइयों जैसी बालूशाही घर में, और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार होगा, तभी आप एक परफेक्ट बालूशाही घर में तैयार कर पाएंगे। बालूशाही बनाने के लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2.5 कप मैदा, ये है, और 2 कप चीनी चाशनी के लिए, 1/2 कप देसी घी इसके अंदर हम डालेंगे आटे में इसका मोयन देने के लिए। और इसके अलावा बालूशाही तलने के लिए आप घी या फिर डालडा या फिर रिफाइंड ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए कलर, यहाँ पे मैंने ये देखिए ऑरेंज रेड फूड कलर ले लिया है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, चाशनी में इसे ऐड करना है, अगर नहीं डालना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए इलायची पाउडर, तो यहाँ पे मैंने इलायची को पाउडर बना के रखा है, इसे ले लिया है। तो इलायची पाउडर हम चाशनी के अंदर ऐड करेंगे, ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं इलायची तो मत डालिए। चलिए इसके अलावा हमें चाहिए बेकिंग पाउडर 1 छोटे चम्मच, और यहाँ पे चाहिए आपको 1 कप हल्का गर्म पानी डो तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले ये जो मैदा है इसके अंदर मैं ये जो 1/2 कप देसी घी है इसे ऐड करूँगी। तो बेकिंग पाउडर आपको 1/2 टेबल स्पून या फिर 1 छोटे चम्मच से यूज़ करना है। याद रखिए यहाँ पे आपको बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और इसके अलावा हम डालेंगे 1 चुटकी नमक। नमक डालने से स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा, तो आप नमक ज़रूर डालिए, और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये देखिए ये 1 कप के नाप का इस बाउल के अंदर आता है, ये जो हमारी कटोरी है इसमें 1 कप के आसपास मैदा या फिर आटा जो भी है आता है, तो इसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इसी से मैंने 2.5 कप मैदा लिया है, 1/2 कप घी लिया है, और इसके अलावा 2 कप चीनी लिया है चाशनी के लिए। अच्छे तरीके से इसे मिला लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नमक, बेकिंग पाउडर और घी और मैदा अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरीके से आटे को हम बाइंड करेंगे। याद रखिए आपको बस ऐसे इन्हें मिक्स करना है, ना कि इन्हें अच्छे से खूब मसलना है। मसलना नहीं है आपको, बस अपना ये जो मैदा है इसे आपको अच्छे से बाइंड करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है आपको और इन्हें इस तरीके से ये देखिए आपस में जोड़ लेना है। तो ये देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है हमारा ये जो मैदा है, और इसे हम ढक के 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। आटा बहुत ज़्यादा नरम या फिर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, देखिए इस तरीके का। तो अब हम इसे ढक देते हैं 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। तो 1 कप मैंने पानी डाल दिया है और 2 कप मैं यहाँ पर चीनी डालूँगी, और थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून से भी थोड़ा कम मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ, और 1 पिंच में डाल दूंगी ऑरेंज रेड फूड कलर। तो अब हम चाशनी को चेक करेंगे। ये देखिए चम्मच से गिराने के बाद एक तार की तरह जब चाशनी गिरे यानी कि तैयार हो गई है। और इसे चेक करने का एक और तरीका है, आप इस तरीके से जब इन्हें करेंगे तो जब एक तार निकले यानी कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो चाशनी हमारी तैयार हो गई है, हमने गैस बंद कर दिया है और चाशनी को ढक के रख दिया है। और ये है हमारा आटा जो कि बिल्कुल सेट हो गया है, ये डो हमारा। तो चलिए अब इन्हें हम तैयार कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे पहले, और इस तरीके से दबाएंगे, और फिर हम बीच में इस तरीके से होल करेंगे। या तो आप किसी बेलन से भी कर सकते हैं या हाथों से भी आप कर सकते हैं। तो पूरा आपको इस तरीके से होल करना है, तभी ये अच्छे तरीके से तैयार हो पाएंगे और चाशनी एकदम अंदर अंदर तक घुस जाएगी। बस इसी तरीके से आपको अपनी सारी बालूशाही को रेडी करना है। ये देखिए इस तरीके से करने के बाद आप ऐसे रखिए, और फिर आप बेलन की मदद से भी बीच में इस तरीके से होल कर सकते हैं। बिल्कुल नीचे तक आपको होल करना है, तभी आपकी जो चाशनी है वो अंदर अंदर तक पहुंच जाएगी और बिल्कुल हलवाइयों जैसी ये आपकी बालूशाही तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको तैयार करना है और रखते जाना है। तो ये देखिए हमने सारी बालूशाही को इस तरीके से बना लिया है, अब हम इसे तलेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है, ऑयल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल नहीं करना है आपको, बस हल्का सा गरम होना चाहिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इन्हें फ्राई करना है।
तो ये देखिए अब ये साइज़ में काफ़ी बड़े हो गए हैं, फूल गए हैं। तो अब यहाँ पे मैं फ्लेम को थोड़ा सा हाई की तरफ कर दूंगी, यानी मीडियम फ्लेम ही रहेगा हमारा, और इन्हें हमें अच्छे तरीके से पकाना है, यानी कि फ्राई करना है। ये देखिए अभी ये कच्चा है, तो अभी हम एक साइड से ही इसे अच्छे से पकने देंगे, फिर हम इसे पलट के दूसरे साइड से पकाएंगे। और अब हम इसे पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए हमारी बालूशाही कितनी बढ़िया तैयार हुई है। अब बस इसे आपको ऐसे ही इसी कलर का होने तक पकाना है, और इसे बाहर निकालना है और गर्मा गर्म चाशनी के अंदर इसे आपको डालना है। तो ये देखिए अभी हमारी ये जो चाशनी है बिल्कुल गर्म है, तो इसमें मैं अपनी बालूशाही को डाल दूंगी और लगभग 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे चाशनी के अंदर ही ऐसे पलट देंगे ताकि दूसरे साइड भी चाशनी अंदर तक अच्छे तरीके से पहुंच जाए, और फिर उसे हम बाहर निकालेंगे। तो चलिए इसे ढक देते हैं। और यहाँ पर मैंने दूसरा फिर से तलने के लिए बालूशाही कढ़ाई के अंदर डाल दिया है। फ्लेम को अभी हमने बिल्कुल लो करके रखा है। तो ये देखिए हमारी बालूशाही, अब इसे दूसरी साइड से हम इस तरीके से शीरे के अंदर 5 मिनट के लिए रखेंगे और फिर इन्हें हम बाहर निकालेंगे। तो अब यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, और ये जो हमारी बालूशाही है इसके अंदर अंदर तक चाशनी बहुत ही अच्छे से पहुँच चुकी है। तो अब आप इसे बाहर निकाल लीजिए, और आप देख सकते हैं कि बालूशाही कितनी परफेक्ट बनी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है, खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है ये। और फ्रेंड्स बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी सारी बालूशाही को रेडी करना है। तो ये देखिए चाशनी को मैंने दोबारा से गरम कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल गर्मा गर्म चाशनी के अंदर आपको इन्हें डालना है। और अब मैं यहाँ पे इसे डाल दे रही हूँ, इसे हम ढक देंगे। तो ये देखिए गर्मा गर्म बालूशाही बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल हलवाइयों जैसी ये बालूशाही तैयार हुई है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।